महापौर परिषद के सदस्यगण श्री मुन्नालाल जी यादव, श्री चंदूराव जी शिंदे, श्रीमती सपना चौहान, दाई की व्यस्तताओं से हम सब वाकिफ हैं। मैं सीधे करें और आज के इस कार्यक्रम का दाई के अभिनंदन नागरिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा, समस्त अखिलना भारतीय संस्कृति में जागृति का प्रतीक है। दीपक कैलाश शर्मा जी भारतीय जनता किया इस स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया सभी लोगों के द्वारा, उसी दिन कहीं ना कहीं लगा ये मेरे इंदौर के लोगों की देन है। आज मैं इसलिए बोल रही हूं, मालूम है बहुत देर हो गई, मगर इसके बाद हो सकता है, बोलते हैं कहना तो स्पीकर है मगर बोलना नहीं होता है, कम बोलना होता है, और कम जिसको बोलना पड़े वो स्पीकर अच्छे माने जाते हैं। तो कोशिश तो यही रहेगी मेरी, अपना घर अगर बनेगा, जहां जाऊं मैं और मेरा घर बनेगा, तो वो सही माने में मैंने जीवन जिया ऐसा हो जाएगा। ये मिट्टी का और ईंटों का घर क्या करेगा। ये बात वो छोटी लड़की सुन रही थी, वो संस्कार उठा करके आ गए। मैं आपको बताऊं, कुछ ही नहीं थी, मुंबई में आ गए माता पिता के बाद, भाई बहन जीवन में संघर्ष करते रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, शिक्षा पूरी करना थी, मन में ललक थी, मगर मालूम था काका भी हो बाकी रिश्तेदार भी हो सब मध्यम वर्ग, कौन किसकी मदद करे। अगर शिक्षा पूरी करना है अपने स्वयं के कदमों पे खड़े रहना होगा, स्वावलंबी बनना होगा, और करते करते भगवान भी सहायता करता गया, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में नौकरी मिल गई और शिक्षा भी पूरी करता प्रारंभ की। घर में काम कर रही थी, रोटी बना रही थी, इंदौर के कोई परिचित जो कोकण से संदर्भित थे उनको वहां मिल गए, बोले इस मुंबई में क्या, उससे तो आप इंदौर में चलो, अच्छा शहर है, आपको वहां काम मिलेगा, स्वस्थता से रह सकोगी। और वो बच्चों को लेकर के इंदौर आई, किसी घर में बच्चे पूजा करते थे, किसी घर में भोजन मिलता था, किसी ने छोटे से बच्चों को काम भी दिया, ये स्वयं भी यहां मेहनत करके, एक बेटा उनका स्कूल में उस जमाने में हेडमास्टर बन गया, एक बेटे ने थोड़ा बड़ा होकर के अपना छोटा सा कारखाना साड़ियां रंगाने का शुरू किया, जो बाद में होजेरी में बदल गया। कष्ट देखे थे परिवार ने, और इसलिए बेटे ने तय किया कि मेरे कारखाने में मैं ऐसी ही महिलाओं की मदद करूंगा। और जब मैं शादी होकर के आई, ससुर जी वही होजेरी चला रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहां पर ऐसी ही महिलाएं कोई स्वेटर में बटन टाकने घर पे ले जाती थी, कोई मफलर में फूंदे लगाने का काम करती थी, अनेक अनेक प्रकार से घर घर में मदद होती थी, मगर उससे भी ज्यादा एक बात होती थी, जो स्वेटर का या इसका पहला लॉट निकलता था, उस जमाने में भी मेरे ससुर जी पहला लॉट गरीब गरीब में बांटते थे। ये विरासत मेरी
मगर इससे भी ज्यादा मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, सादगी की विरासत जो आपके द्वारा दी गई, प्रामाणिकता की विरासत जो आपने अपेक्षित की और आपने उसके कारण सदैव मेरा साथ दिया, ये सभी जो विरासत है, ये विरासत आने वाली भी पीढ़ी, इसके लिए मैं इसका उल्लेख कर रही हूँ। पुराने लोगों को तो सबको मालूम है क्योंकि आपने ही साथ दे करके बनाया है, मगर मेरा पूरा पूरा विश्वास है ये जो सद्गुण हो, गुणों की पहचान हो, या ये जो भी कुछ ईमानदारी, प्रामाणिकता, जो भी अच्छे गुण जिसको हम कहते हैं, जो हम राजनेताओं से अपेक्षित करते हैं, हम ये कहते हैं राजनीति बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई है और इसको सुधारने की हम अपेक्षा करते हैं, तब मैं कहूंगी कि इंदौर वासियों ने केवल अपेक्षा नहीं की है, केवल बोला नहीं है, एक प्रकार से अपने अनूठे उदाहरण से बता दिया है कि हाँ, सद्गुणी मनुष्य, ईमानदार मनुष्य, प्रामाणिक व्यक्ति, उसके पास धन बल नहीं हो, बाहुबल नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी हम उसको पहचान करके हम उसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, दुनिया भी ये कर सकती है। ये उदाहरण आपने पेश किया है, ये उदाहरण पूरे देश के लिए एक प्रकार से उदाहरण रहेगा, रह रहा है, क्योंकि मुझे जो पूछते हैं तो मैं उत्तर में यही उनको कहती हूँ। और आज आपसे भी यही कहूंगी, जिस तरीके से आपने मुझे बनाया है, जो अपेक्षाएं आपकी मुझसे है वो पूरी तो करूंगी ही। एक अनुभव और आया, उसको आखिरी में बताती हूँ कि जिस दिन मेरा निर्वाचन हो गया स्पीकर पद पे, तो महाराष्ट्र से तो इतने, यानी वहां भी गांव गांव में खुशी तो हो गई, मगर एक बात उन्होंने जो कही, मुझे फोन आया कि मावळंदकर जी भी रत्नागिरी के थे, पहले स्पीकर जो हमारे, और बिले उसके बाद हम रत्नागिरी वासियों को, चिपळूण वालों को, ये उसके बाद ये फिर तोहफा मिला है, ये पूरी विरासत आपको संभालना है। हमें मालूम है आपके इंदौर वालों को आनंद आ रहा है, मगर उससे भी ज्यादा हमें भी आनंद आ रहा है, आप इसकी भी नोन करो। मैंने कहा ये भी नोन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये भी मुझे बचपन में सिखाया गया है कि लड़की जो है, कन्या जो है, ये उम्रे पे, दहलीज पे रखा हुआ दिया है, वो प्रकाश मायके में भी देती है, ससुराल में भी देती है और संपूर्ण समाज में भी देती है। मैं आज आपको इतना ही कहूंगी कि आप लोगों ने तो मुझे, इंदौर वासियों ने, केवल बहू नहीं माना, बेटी का प्रेम दिया है। मायके में जितनी नहीं रही उससे दुगनी तिगनी उम्र मेरी यहाँ पे गुजर गई है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये मेरा प्रयास रहेगा कि इतने उच्च पद पर बैठने के बाद भी वो पद मेरे दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन पद की गरिमा वो मैं सतत याद रख के एक ऐसा काम करती रहूंगी जो मुझसे अपेक्षित है, निरपेक्ष भाव से करना जो अपेक्षित है, और बाकी जो सब आपकी अपेक्षा है, मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको पूरा करने का। अभी भी सब लोगों ने, आपने ये जो अभिनंदन पत्र है, ये अभिनंदन पत्र मैं प्रशस्ति पत्र के रूप में नहीं ले रही हूँ, ये अभिनंदन पत्र आपकी अपेक्षा के रूप में ले रही हूँ, उसी पर खरी उतरने का आगे भी मेरा सतत सतत प्रयास रहेगा। आपकी बनाई हुई है सांसद, आपकी बनाई हुई है जनप्रतिनिधि, उसी गुणों को लेकर के आगे बढ़ेगी और निरपेक्ष भाव से देश की सेवा करने का प्रयास करूंगी।